नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। एक नजर डालते हैं 5 मिनट में 25 खबरों पर। भारत में पहले दिन 3 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 के टीके की खुराक दी जाएगी, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। दिल्ली NCR में कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली NCR में इतना कोहरा है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आज से शीतलहर का प्रकोप और बढ़ जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर जाएंगे। इस दौरान बेलगावी जिले में एक राजनीतिक रैली को संबोधित करेंगे, साथ ही कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। हरियाणा के जिंद में बड़े भाई ने शमशान घाट में छोटे भाई की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक की बहन के बयान पर बड़े भाई कुलदीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। हरियाणा के टोहना शहर में दिनदहाड़े वकील की पत्नी की गोली मारकर हत्या करने के बाद बदमाशों ने इलाके में दहशत फैला दी। बताया गया है कि महिला हत्यारोपी से बचने के लिए खूब इधर उधर दौड़ी भी थी। बदमाश ने महिला के सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर मौत। मथुरा में शराब तस्करी की सूचना पर दबिश देने पहुंची पुलिस टीम पर बदमाशों ने हमला कर दिया और पथराव भी किया है। पथराव में 5 सिपाही को चोट आई है। पुलिस टीम ने हवाई फायर कर जान बचाई। इस मामले में 4 तस्करों को गिरफ्तार कर 28 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। मध्य प्रदेश के कटनी में दाल मिल में काम करने वाले युवक के इंटरनल पार्ट में एयर प्रेशर से हवा भरने से युवक की जान पर बनाई, जिसके बाद इस शख्स को अस्पताल में भर्ती किया। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने ऑनलाइन मार्केटिंग अभियान के जरिए रिटर्न का वादा करके लोगों को धोखा देने के आरोप में 2 चीनी महिलाओं सहित 12 लोगों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चौकी प्रभारी समेत 15 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज। ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में चौकी प्रभारी समेत 15 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर ने बताया कि जांच में ड्यूटी से अनुपस्थित पाए जाने पर निलंबन की कार्रवाई की गई। गाजियाबाद में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर 25 गाड़ियां आपस में टकरा गई। घटना में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दुर्घटनाग्रस्त में छोटी और बड़ी गाड़ियां शामिल हैं। पुलिस ने सभी घायलों को किया भर्ती। फिरोजपुर में BSF ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके बाद तस्कर की निशानदेही पर BSF ने खेत में 4 किलो हीरोइन बरामद की है। आरोपी के मोबाइल फोन से पाकिस्तान के 13 तस्करों के बैंक खाते की जानकारी मिली। देहरादून में STF ने विदेशियों से ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर का किया खुलासा। पुलिस ने मौके से कॉल सेंटर के 4 कर्मचारियों को किया गिरफ्तार। फिलहाल पुलिस जांचबीन कर रही है। नोएडा की थाना फेज 2 में पुलिस ने हनी ट्रैप में फंसाकर लोगों से अवैध वसूली करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया, इसमें 2 महिला भी शामिल है। अधिकारी ने बताया कि इनके पास से इनोवा कार, मोबाइल फोन, घटना में इस्तेमाल किए गए 3 मोबाइल फोन जब्त किए। दिल्ली में पुलिस ने फर्जी कोविड-19 चालान काटने और जुर्माने की राशि वसूलने के आरोप में सिविल डिफेंस के 3 वॉलंटियर को किया गिरफ्तार। दरअसल आरोपी फर्जी चालान काटकर लोगों से पैसे वसूलते थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी। भोपाल में बदमाश ने महिला से दुष्कर्म किया और फरार हो गया। पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती किया है। मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। इटावा जिले के फ्रेंड्स कॉलोनी में शख्स ने 2000 रुपये लेन देन के विवाद में अपने दोस्त की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। डूंगरपुर में BTP के विधायक राम प्रसाद ने सागरवाड़ी सरकारी अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर को थप्पड़ मार दिया। विधायक की इस हरकत से गुस्साए डॉक्टरों ने कार्य का बहिष्कार कर दिया। पुलिस मामले की जांचबीन कर रही है। मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने छात्रा को सामूहिक दुष्कर्म के बाद जिंदा जलाकर मार दिया। इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। छात्रों की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है। रायसेन में 1 करोड़ रुपए की फसल बीमा राशि पाने के लालच में मामा ने अपनी भांजी के साथ मिलकर अपने ही छोटे भाई का कत्ल कर दिया। मामा अपनी भांजी को मुंबई भेजकर फिल्म स्टार बनाने का सपना देख रहा था। पुलिस ने दबिश देकर आरोपियों को किया गिरफ्तार। उज्जैन में अवैध खनन की सूचना मिलने पर SDM, माइनिंग इंस्पेक्टर पुलिस बल के साथ पहुंचे, लेकिन आरोपी ड्राइवर ने माइनिंग इंस्पेक्टर पर डंपर चढ़ाने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए खनन में शामिल कई गाड़ियों को जब्त किया। वहीं घटना के बाद आरोपी ड्राइवर फरार। बिहार के गया में छात्र ने अपनी प्रेमिका के सामने आत्महत्या कर ली है। मृतक विकास 9वीं कक्षा का छात्र था। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। परिजनों से पूछताछ की जा रही है। मेरठ में एक शख्स ने महिला से दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो भी बना ली, जिसके बाद इस शख्स महिला को वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है। इस मामले में पीड़ित महिला ने SSP ऑफिस पहुंचकर शिकायत पत्र दिया है। महिला ने गुहार लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि इस मामले में अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। रोहित शर्मा के आउट होने की तरीके पर पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने सवाल खड़े किए। रोहित ने शॉट्स मारने के चक्कर में लियोन की गेंद पर अपना विकेट फेंक दिया। सुनील गावस्कर ने कहा, बहुत ही गैर जिम्मेदारन शॉट था।
टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या ने कार्डियक अरेस्ट के कारण आज सुबह अपने पिता को खो दिया। बिग बॉस में रुबीना संग हुई लड़ाई के दौरान सोनाली फोगाट कई बार ये कहती हुई दिखाई दी कि उनके आदमी उन्हें बाहर देख लेंगे, जिसके बाद सलमान ने उनकी जमकर फटकार लगाई। फिलहाल 5 मिनट 25 खबरों में सिर्फ इतना ही, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।